हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज अच्छा के हमारे नए क्लास में बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा चैप्टर चल रहा है कर्वेचर इस चैप्टर के बारे में हमने आपको कल के क्लास में भी बताया था कई सारे फॉर्मूले बताए थे कई सारी फॉर्म्स बताई थी तो आई होप आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और आज के क्लास में इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया अब पर ध्यान से देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पर भी क्या करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपको प्रूफमेंट करना होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं रो से करते हैं ठीक है मतलब रो निकालना होगा लिखा आगे एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी ये भाई इक्वेशन होती है कैटेनरी की और अभी मैं आपको कैटेनरी की कैसे इसका फिगर बनता है वो भी बताएंगे और उस फिगर को आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इस जो ये यूनिट हमारी चल रही है फोर्थ यूनिट इसमें आगे और चैप्टर है तो वहां पर भी कई सारे फिगर्स बनाएंगे तो वहां पर भी ये शब्द आपको देखने को मिलेगा कैटेनरी तो कैटेनरी की इक्वेशन भी आप याद रखेंगे क्या होती है y c cos हाइपरबोलिक x c सी यहां पर कांस्टेंट है इस सी की जगह ए लिख कर आए है बी लिख कर आए कुछ भी लिख कर आए मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा तो आप इस कैटेनरी को भी याद कर लीजिए और साथ में कैटेनरी की फिगर कैसे बनती है वो भी हम आपको बता देंगे अब आगे देखिए ये तो क्वेश्चन में गिवन है है दे रखा है। आगे लिखा है एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट अब ऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि कहते हैं आपने शायद इलेवें ट्वेल्थ पढ़ा हो भुज और कोटि के नाम से तो ये क्या

उसका प्रूवमेंट करना होगा आगे दे रखा है एनी पॉइंट ऑफ कैटेनरी भाई यहाँ पर कैटेनरी की ये क्यूशन दे रखी है अब आप कहेंगे कि भाई हमने आपसे कहा कैटेनरी की क्यूशन तो ये होती है अब इस क्वेश्चन में कैटेनरी की क्यूशन तो दे दे रखी है अब हम क्या करें कौन सी याद करें तो भाई जो मेन क्यूशन होती है वो यही होती है आपको यही याद करनी है अभी जब हम आपको ये क्वेश्चन लगवाएंगे देखिएगा यही बन के आ जाएगा ठीक है तो कैटेनरी की क्वेश्चन क्या होती है वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्सअपोल सी ठीक है तो यहाँ पर कैटेनरी की क्यूशन ये दे रखी है

ए e की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन का नाम भी दे रखा है क्या दे रखा है कैटेनरी दे रखा है तो यहां पर वही नाम भी लिख लेते हैं कैटेनरी ठीक है कैटेनरी या चाहे तो आप ऐसे करके लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ

फंक्शन में भी हमने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला और जब हम आपको पढ़ाए थे हाइपरबोलिक फंक्शन हाँ याद आ गया हमें हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था दोनों बेस ई e हो प्लस चल रहा हो पावर हो, हो तो साइन हाइपरबोलिक का ठीक है? तो है तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक का देखिये ए ही रहेगा और ये फॉर्मूला हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स का लेकिन एक्स की जगह क्या चल रहा है एक्स अपॉन ए चल रहा है तो

अब क्या करना है कैटनरी की अब हम आपको फिगर बता देते हैं कैसे बनेगी देखिए ध्यान से सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं वाई और एक्स की ये लीजिए ये हो गई एक्स एक्सिस ये हो गई एक्सिस ठीक है अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे जब भी हमें इसकी फिगर बनानी होती है तो जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं अगर आप वैसे याद रखते हैं तो ये फिगर आपको याद हो जाएगी देखिए सबसे पहले हमने क्या किया इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते, ये अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए मतलब ये जो एक्सिस के एक इधर एक इधर मतलब दो पॉइंट हमने बना लिए और एक लाइन एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से लाइन एक्सटेंड कर ली अब बताइए क्या करेंगे अगर हम इस लाइन को एक वायर मार वायर होता है ना तार अगर हम उसे थोड़ा सा नीचे खींचे मतलब इसको वायर मार तो इसकी फिगर ऐसी हो जाएगी ये लीजिए इसकी फिगर भाई ऐसी तो हो जाएगी अगर हम वायर देखिए ये चीज़ है अगर हम वायर है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे खींचे या मान लीजिए जो रवड़ होती है ना गेटिस जो होती है अगर उसे नीचे खींचेंगे ऐसी तो वो फिगर बनाएगा बस इसकी फिगर ऐसे ही बननी है फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम एक पॉइंट पी मान लेंगे और ये कौन सी एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स और वाई हो जाएगा और फिर यहाँ से एक लाइन हम एक्सटेंड कर देंगे परपेंडिकुलर जो किस पर होगी एक्स पर होगी एक्स के परपेंडिकुलर होगी ठीक है तो उसके बाद देखिए यहां पर अब हम बस थोड़ा सा काम बचाए और बता देते हैं यहां पर ओरिजिन होगा ओ फिर यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए जब ये पूरी y है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी ये भी y ही होगी तो ये लीजिए हमने इसकी डिस्टेंस लिख दी ये है पूरी y। ऐसी ये पूरी x एक्सिस है तो यहाँ पर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी x होगी और यहाँ पर जो वर्ड आया है ऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट एक यानी कि इसे कोटी बोलते हैं और हिंदी और एक और होता है भुज तो भुज क्या है ये एक्स और ये क्या है कोटी होती है मतलब ये जो वाई है ये क्या है ऑर्डिनेट है क्या है ऑर्डिनेट मतलब कि ये 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 जो जो एक्सिस है ये क्या है है लाइन क्या ऑर्डिनेट ये वाई के क्या है Parallel है ऐसे ही ये जो दूरी है, 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 है? है? नयादो तो भाई लिख लीजिए तो आ गया बहुत आसान तरीके से फिगर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है और ये फिगर बस इतनी ही है कंप्लीट हो गई

क्या लिखा है आगे एज जब भी वेरी की बात आती है तो इस तरीके से हम प्रपोजनल जो हम डायरेक्टली प्रपोजनल का सिंबल लगाते हैं ये होता है ये क्या होता है डायरेक्टली प्रपोजनल बोलते हैं या जब भी वेरी लिखा हो तो हम इस सिंबल का लगाया करेंगे ठीक है या हिंदी में इसे बोलते हैं समानुपाति और निकालना क्या है हमें क्या दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं तो समझ में आ गया ये दोनों लाइन तो सेम है मतलब कि इस

थोड़ा सा आगे सवाल बढ़ जाएगा थोड़ा सा सवाल अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो अपॉन में ए और 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 लाना है है तो हम ले आएंगे अपॉन में में कैसे आएगा डायरेक्टली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम का सिंबल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगता है तो जब हम इसको इसको हटाएंगे मतलब ये वाला जो हमारा डायरेक्टली प्रपोजनल है ये हटेगा तो यहां पर हम अपॉन में ए लगा लेंगे यही इसका क्या हो जाएगा हम जब हटाएंगे हो जाएगा तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रूवमेंट करना है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रूवमेंट करना है तो आप जो है ऐसे करके लिख लीजिए दोनों ठीक है तो दोनों ही क्वेश्चन साथ में बताते चल रहे हैं एक बता रहे हैं खुद लगा लीजिएगा वरना क्वेश्चन लिख लीजिएगा अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस वाली क्यूशन को ले चलेंगे यहाँ पर देखिए वाई और एक्स में सबसे पहला काम कौन सी फॉर्म है कैटनरी फॉर्म कैटनरी तो हम इसका नाम दे रखा है कर्व का लेकिन ये फॉर्म कौन सी है तो वाई और एक्स में यानी कि ये हमारे फॉर्म है कार्टिशियन फॉर्म तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से लिख लीजिएगा कि वाई बराबर दे रखा है ए cos हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए ये चल रहा है क्या करना होगा इसका जब कैट फॉर्म होती है तो हमने आपको कल की क्लास में प्रूवमेंट कराया था क्या होता है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मतलब रो बराबर होता है क्या होता है one plus dy over dx का होल्डर्स स्क्वायर फिर पावर होल्डर्स होती है three by two और अपॉन में d square y over dx होता है मतलब आपको इस इस y का एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा एक बार और करना होगा तो करते हैं देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है ठीक है तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा डीवाई ओवर डी एक्स हो गया बराबर लगाया ए तो कॉन्स्टेंट है अब यहां पर देखिए कॉस हाइपरबोलिक वैसे अगर कॉस नॉर्मल होता हाइपरबोलिक नहीं लगा होता तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लेकिन यहां पर कॉस हाइपरबोलिक है तो हमने आपको बताया था हाइपरबोलिक में सिंबल माइनस नहीं लगता है तो कॉस का क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए हो गया लेकिन एक्स अपॉन ए एक्स्ट्रा है तो इसका दोबारा करेंगे दोबारा करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा वन अपॉन ए बचेगा ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स आपको कितना मिला साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए इतना मिल गया अब इसका गेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे देखिए लिखा हमने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यहां लिख लीजिएगा अगेन डिफ्रेंशिएशन का रहें ठीक है थीके? अब देखिए जब दोबारा करेंगे तो साइन का क्या होता है भाई साइन का कॉस हो जाता है तो यहां लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक

फिर उसके आगे का सवाल हम आपको दिखा देंगे कि वी हैव में दोनों मान हमने निकाल लिए हैं अब क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे तो रो बराबर क्या होता है अभी हमने आपको बताया वन प्लस dy ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर फिर ये पूरी पावर होल ऑफ कितनी होती है थ्री बाई टू अपॉन में क्या होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला होता है अब देखिए दोनों वैल्यू आपके पास है डीवाई ओवर डी एक्स की भी है इसकी भी वैल्यू है तो केवल आपको वैल्यू ही डालनी है तो देखिए इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू डालेंगे तो देखिए ये चल रहा है रो बराबर लगाया लिखा हमने वन प्लस डीवाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन हाइपरबोलिक है लेकिन इसका क्या चल रहा है होलब स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा होलब स्क्वायर लगा देंगे तो ये लीजिए ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स एच स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्या किया देखिए इसका डायरेक्ट होल कर दिया कर दिया ऐसी है क्या है इसकी पावर कितनी चल रही है थ्री बाई टू भी लगा दी अपॉन में देखिए यहाँ पर इसका अगेन डिफ्रेंशेशन करने पर कितना आया इतना आया तो इसे भी लिख देंगे क्या है वन अपॉन ए कॉस हाईपरबोलिक एक्स अपॉन ए कर दिया अब यहाँ पर देखिए ये भी फॉर्मूला बन रहा है आपको हमने सरसमिका बताई थी क्या होती है पहली सरसमिका होती है कौन सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर वन हमने आपसे कहा था अगर हाइपरबोलिक चल रहा हो तो कॉस स्क्वायर एक्स के मतलब कॉस हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है भाई हम आपको लिख कर दिखा देते हैं ये हमने आपको बताया था कि कॉस एक्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन यही तो सरसमी होती है अगर हम इसकी जगह पर हाइपरबोलिक लिख ले ये लीजिए यहां पर हमने हाइपरबोलिक लिख लिया ठीक है ये भी वन के बराबर होगा लेकिन कब जब बीच में क्या लगा हो माइनस लगा हो प्लस नहीं लगाना चाहिए तो यहां से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वन पहले से माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये देखिए यही फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है ये क्या है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रख सकते हैं और लेकिन एक्स की जगह पर एक्स वाई ये आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं ना फार्मूला याद हो तो भाई ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा वरना रिविजन करेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए और इसकी पावर कितनी चल रही है थ्री बाई टू चल रही है अब यहां पर देखिए अपॉन में भी क्या चल रहा है वन अपॉन ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए चल रहा है इसमें अगर देखेंगे इसकी पावर टू है पूरी पावर थ्री बाई टू चल रही है तो देखिए ये पावर टू है ये पावर थ्री बाई टू है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया यानी पावर यहाँ कितनी बची केवल थ्री बची देखिए टू से टू कैंसिल हो गया केवल पावर कितनी बची थ्री बची तो यहाँ पर पावर ये हमने दिखा दी थ्री ये देखिए बचा कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स अपॉन ए अपॉन में वन अपॉन ए cos हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए अब ये देखिए कॉस वन टाइम है ऊपर कितने टाइम है थ्री टाइम है मतलब पावर थ्री है तो इससे पूरा एक कट जाएगा केवल ऊपर कितनी पावर बचेगी ये दो पावर ए बचेंगी तो ऊपर बचेगी दो पावर साथ में अपॉन में ए है तो ये थर्ड वाला स्टेप कहाँ जाता है हमेशा ऊपर चला जाता है तो ये लीजिए ये आ जाएगा रो बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए ये आ गया और अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाए क्योंकि प्रूवमेंट बस आपका होने ही वाला है ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक वोलिक एक्स अपॉन ए ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक वोलिक एक्स अपॉन ए यहां से अगर वैल्यू इसकी निकालेंगे तो एक को इसके नीचे पहुंचा दिए वाई अपॉन ए हो जाएगा तो इसी के नीचे लिख लीजिएगा बट करके बट y बराबर क्या है हाइपरबोलिक x कहाँ से लेकर आए यहां से लेकर आए और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे स्क्वायर चल रहा है तो हम भाई इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा रो बराबर ए फिर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया अब ये देखिए ए के से एक कैंसिल हो गया मतलब क्या आ गया रो बराबर वाई स्क्वायर अपॉन ए आ गया और यही प्रूवमेंट हमें करना था यहाँ पर और ये प्रूवमेंट हमारा हो चुका है अगर आपको ये प्रूवमेंट करना है तो इसी इसी के के आगे आगे क्या कर लीजिए? लीजिए ऐसे करके करके और कर लिख बराबर क्या हो जाएगा? है तो दोनों प्रूवमेंट हमने आपको बता दिए तो सबसे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या करना है आपको तो अगर आप पहला क्वेश्चन लगा रहे हो तो लगा लीजिएगा वरना दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आपको यहां से सवाल शुरू करना है पूरा लिखिएगा फिर ये पूरा पार्ट ये लगा हुआ है ठीक है अगर ना फॉर्मूला याद हो आपको तो आप ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये भी लिख सकते हैं और तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल में समझा पाए होंगे इंपॉर्टेंट है और कैटेनरी की ये जो फॉर्म है ये वाली जो फॉर्म है और साथ में ये जो फिगर है इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें इसका भी यूज़ होगा तो इसमें हम इतना ही रखते हैं अब एक सवाल और आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा बहुत आपके और भी समझ में आ जाए और जिन बच्चों को ये वाला जो फॉर्मूला है नहीं याद हुआ है तो बार बार आप लिखेंगे तो याद आपको हो ही जाएगा उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला हमने लिख दिया है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इफ अ कर्व डिफाइंड बाय द इक्वेशन मतलब ये दो इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में देखिए एक्स और वाई है फंक्शन का है 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 दे दे रखा है, y दे रखा है। मतलब एक्स और वाई दोनों ही टी के फंक्शन दे रखे हैं ठीक है और ये आपको प्रूवमेंट करना है क्या है प्रूवमेंट में भाई इसमें भी रो दे रखा है मतलब आपको यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है अब आपको कैसे पहचानेंगे कौन सा कर्व है कर्व तो आपको यही दे रखा है इतना ही तो ध्यान से देखिए अगर आप देखेंगे

हम थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं कि इसमें कार्टिशन फॉर्म वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा देखिए डैश लगाए इसका मतलब क्या आता है एक डैश का मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन और फिर यहाँ देखेंगे तो डबल डैश लगे हैं तो इसका मतलब क्या है टू टाइम डिफरेंशिएशन है तो वन टाइम की डिफरेंशियन को ऐसे तो लिखते हैं ऐसे लिखिए है, चाहे पे एक बार डैश लगा लीजिए डबल टाइम करते हैं तो क्या करते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर लिखते हैं ऐसे लिखिए है, या आप डबल डैश लगा लगाती तो बात तो वही है मतलब हम पहचान गए यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म वाला ही लगेगा तो इसके बेस पर इसे कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इसमें जो गिवन में दे रखा है पहले तो वही लिख लेते हैं इक्वेशन दे रखी एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर दे रखा है y t दे रखा है ये दे रखा है अब यहां पर देखिए यहां पर हम लिखेंगे dy ओवर डी एक्स सबसे पहला काम आप यही तो करते हैं dy ओवर डी एक्स निकालते हैं लेकिन यहां से निकालना अभी पॉसिबल नहीं है आप चाहे तो यहाँ डैश लगा लीजिए फाइव और यहाँ एफ तो कहीं ही नहीं रहा है इसको कैसे लगाएंगे देखिए यहां फंक्शन दोनों टी के हैं तो इसे भी हम टी बनाएंगे देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर ही है कैसे बराबर है डी टी से डी टी कैंसिल डीवाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा मतलब ये काम हमने इसीलिए किया है और ये वाला जो काम हमने यहां किया है डी टी से डिवाइड दोनों फंक्शन में किया है ये काफी सवालों में काम में आएगा जब भी टी फंक्शन कोई भी हमें कर्व दे रखा हो और अगर वो टी में चल रहा है तो हमेशा आपको dy ओवर dx के लिए यही लाइन लिखना पड़ा करेगी अभी जो अगला क्वेश्चन लिखाएंगे उसमें भी यही बनाना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा जब भी टी में फंक्शन चलेगा तो हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे मतलब टी से डिवाइड दोनों फंक्शन को कर देंगे अब देखिए आगे dy ओवर dt इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश भाई ऐसे भी तो लिखा जा सकता है और और फिर क्या है dx एक्स ओवर इसको भी हम ऐसे करके डैश के रूप में लिखा सकते हैं एक डैश का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन किया गया है भाई t चल रहा है तो t के डिफरेंशिएशन किया है t के रिस्पेक्ट में और बराबर में क्या चल रहा है dy ओवर डी एक्स मतलब एक तो वैल्यू हमने निकाल ली है ये वैल्यू आप आप कार्टिशियन फॉर्म वाले उस, उस पूरी फॉर्मूले में रख देंगे dy ओवर डीएक्स निकाल लिया अब दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करके तो यहां लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएशन अगर आप इसका करेंगे तो कैसे आ जाएगा इसका करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर अभी हम कर नहीं रहे हैं इसको इस तरीके से लिख रहे हैं पहले डी अपॉन डी x एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ठीक है अभी यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा इतना ही हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है तो ये जो, हम तो तो जो हमने लाइन लिखी थी यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में है लेकिन अब आप कहेंगे कि जब ये टी के रिस्पेक्ट में है तो जब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए तो जी हाँ टी के ही में करेंगे तो इसे करने के लिए यहां पर एक छोटी छोटी सी सी ट्रिक सी ट्रिक लगेगी वो क्या है DT से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए से? से कर भी कर दिया ऐसा इसीलिए किया है अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से समझेंगे तो ये लाइन जब t से t के रिस्पेक्ट में है टी के रिस्पेक्ट में इसीलिए तो डैश लगाया तो जब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे लेकिन कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए तो इसीलिए किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में लेकिन यहाँ पर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी करने के लिए यहाँ पर छोटी सी ट्रिक लगाई कि डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड अब अगर आप इधर वाले पोर्शन को देखेंगे तो डी अपॉन डी टी लिखा है और डी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है कि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अब हम कर सकते हैं और ये वाली जो वैल्यू है डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ पर देखिए dx अपॉन डी टी को हमने क्या लिखा था एक्स डैश लिखा था ऐसे ही ये इसका क्या हो गया उल्टा हो गया जब हम डीएक्स अपॉन डी टी को एक्स डैश लिख सकते हैं तो डीए डी टी अपन क्या लिख सकते हैं लिखते हैं मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा तो ये लाइन हमने आपको काफी थोड़ी समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस आपको इतना याद रखना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड करना है बस इतना याद रखिएगा हो जाएगा वैसे तो पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की ना समझ में आए जो दो लाइने हमने आपको बताई बताए ये याद रखिएगा ठीक है अब यहां पर देखिए dt के ही रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये यू अपॉन वी वाला लग जाएगा तो इसके आगे का सवाल यहां से देखिए क्या लिखा है बराबर में चल रहा है हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डीएक्स स्क्के बाद देखिए हम यहाँ पर डिफरेंशियन कर रहे हैं वाई डैश अपॉन एक्स डैश का यू अपॉन वी वाला लग जाएगा मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है डिफ्रेंशियन पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर तो एक्स डैश है इसका स्क्वायर कर दिया ठीक है इसे ले जाकर ऊपर छोड़ देते हैं छोड़ दिया फिर वाई डैश का करेंगे डिफरेंशियशन तो वाई डैश का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डबल डैश लग जाएगा हो गया फिर बीच में माइनस का सिंबल अब इसका कर चुके हैं तो इसे छोड़ देंगे और एक्स डैश का करेंगे तो क्या हो, जाए? X हो जाएगा तो ये हमारा हो गया डिफ्रेंशियन हो गया ठीक है आगे जो डी टी अपॉन डी टी इसकी वैल्यू डाल देंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन एक्स डैश भाई ध्यान से देखिए हमने ये क्या लिखा है ये हमने लिखा है डी एक्स अपॉन डी टी की जगह एक्स डैश लिखा है तो जब हम इधर पलटेंगे तो इधर भी तो पलट देंगे तो डी टी अपॉन डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स डैश आ जाएगा तो यही तो लाइन हमने वहां लिखी है समझ में आ गया अब देखिए एक्स डैश का ये है, ये वन टाइम है, तो पावर जुड़ जाएगी तो क्यूब हो जाएगा तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स डैश का क्यूब तो ये देखिए मान हमने दोनों निकाल लिए हैं बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही समझना है और ये जो दोनों मान है जब हमने निकाल हैं तो फॉर्मूले में लगा देंगे तो यहाँ लिखेंगे वी हैव वी हैव में कार्डिशन फॉर्म का क्या होता है रो बराबर वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का ऑफ स्क्वायर और फिर पूरी पावर होती है थ्री बाई टू और अपॉन में डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर यही तो होता है फॉर्मूला अब दोनों की वैल्यू आपको पता है वैल्यू रख देते हैं ये आ जाएगा रो बराबर देखिए वन प्लस ही रहेगा इसकी वैल्यू क्या है वाई डैश अपॉन एक्स डैश है ये लिख दिया हमने वाई डैश अपॉन एक्स डैश है लेकिन इसका भी क्या है स्क्वायर है तो भाई इसका भी आप स्क्वायर चढ़ा देंगे पूरी पावर कितनी है थ्री बाई टू

प्लस वाई डैश स्क्वायर और फिर ये आ जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर ये पूरी पावर कितनी चल रही है हमारी ये पूरी पावर हमारी चल रही है थ्री बाई टू थ्री बाई टू चल रही है अब एक भिन्न नीचे भी दे रखी है देखिए यहाँ पे डबल भिन्ने चल रही हैं दो फ्रैक्शन है एक ऊपर है इसे सॉल्व कर दिया ये नीचे वाला फ्रैक्शन भी चल रहा है तो क्या करेंगे इस वाले फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पूरा पलट जाएगा मतलब कि ये जो है इसको पलट देंगे ये ऊपर जब आएगा तो पलट जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा एक्स डैश क्यूब बटे में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस का वाई डैश एक्स डबल डैश ऐसे आ जाएगा देखिए इस तरीके से आ जाएगा अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर हो रहा होगा यहां पर देखिए ये जो पावर है इस पर भी है ये पावर हमारे इस पर भी है जब ये पावर नीचे वाले पर आएगी तो इस पर पावर टू है इस पर भी पावर मतलब थ्री बाई टू है तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी एक्स डैश क्यूब आ जाएगी और एक्स डैश क्यूब यही यहां पर भी लिखा है तो एक्स डैश क्यूब से एक्स डैश क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या किया भाई ये पावर इस पर भी तो आएगी तो टू से टू पहले कैंसिल हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स डैश क्यूब होगा एक्स डैश क्यूब से एक्स डैश क्यूब कैंसिल हो गया क्या बचा इतना बचा तो हम यहाँ पर इसके आगे क्या एक लाइन यहाँ लिख देते हैं रो बराबर कितना आ चुका है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल ऑफ पावर थ्री बाई और अपॉन में हमारा है एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश और ये प्रूवमेंट मैच कर लीजिए यही प्रूवमेंट हमसे कहा जा रहा था बिल्कुल सेम आ चुका है तो बस आपको ऐसे ही करना है तो आप इस पूरे का स्क्रीन ले लीजिए काफ़ी ईजी तरीके से समझाया है बहुत आसान है बस आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन भाई इस पर भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है अब एक क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं जब भी हमेशा याद रखिए अगर कोई भी फंक्शन दो दे रखे हैं और अगर टी में चल रहा है हमेशा इसी तरीके से फॉर्म हम बना लेते हैं क्या करते हैं टी टी से डिवाइड और से भी टी टी से डिवाइड कर लेते हैं तो इसे समझा दिया अब एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे इसे पहले वाला लगाया था क्वेश्चन में दे रखा है देखिए लिखा हुआ है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसमें भी आपको रो ही निकालना है लेकिन इसमें आपको आंसर भी दे रखा है लिखा है लिखा ना प्रूवमेंट तो रो बराबर कितना आएगा 4A cos t 2. इतना आंसर आपको लेकर आना होगा और इसके लिए कर्व कितना दे रखा है कर्व दे रखा है एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी और वाई बराबर दे रखा है ए वन माइनस कॉस्ट टी दे रखा है इसे भी आप याद रखिएगा जैसे हमने आपको बताया था कि जो कैटनरी की equation होती है, वो क्या होती है y बराबर सी c हाइपरबोलिक अपनी एक अलग फिगर होती है ऐसे ही एक याद रखिएगा और y के मान साइक्लॉइड में इतना होता है ठीक है तो ये हमें गिवन में दे रखा है इतना लेकर आना है तो सेम वही तरीका है और इस क्वेश्चन में भी देखिए t चल रहा है तो यानी कि ये वैसा ही लगेगा जैसे हमने पहले लगाया था देखिए क्या लिखा हमने सबसे पहले लिखा इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड ये दे रखा है गिवन में लिख दिया अब वी हैव हमने dy अपॉन dx लिखा देख रहे हैं हम साफ-साफ t चल रहा है तो यानी t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है तो क्या किया dt से डिवाइड dt से डिवाइड दोनों फंक्शन को कर दिया अब dy अपॉन dt यहां से आपको मिल जाएगा देखिए इसको आपको t में डिवाइड कर t में डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए a तो कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही हो जाएगा 1 का 0 हो गया

कोई ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे सात वाला जो वन है ये कैंसिल हो जाए तो इसके लिए हमने क्या किया कॉस में फॉर्मूला लगा दिया

ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये वाला हम खुद बना लेंगे अगर इसमें एंगल में टी नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है जब एंगल में टी नहीं है तो ये इसके में पहुंच जाएगा तो फॉर्मूला साइन टी का हो जाता है टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू यही बस आपको याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला है इसी से ये फॉर्मूला तो होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन ये होता है अब जब यहाँ पे टू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसके एंगल में आ जाएगा बटे में आ जाएगा ये एंगल का टी इसके बटे में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस टी बराबर कितना हो जाएगा टू ये यहां पर पहुंच जाएगा टू कॉस स्क्वायर

से डाल दी ठीक

चेंज करें सेक में तो क्या आता है वन अपॉन सेक आता है ऐसे ही जब सेक को चेंज करेंगे तो वन अपॉन कॉस आ गया है ठीक है तो इसी तरीके से हम इस कॉस को सेक बनाएंगे तो क्या करेंगे कॉस को सेक बनाएंगे तो कॉस को सेक बनाने के लिए क्या करेंगे इसको पलट देंगे ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा मतलब वन अपॉन है यहाँ पर देखिए ये वन अपॉन है तो इसे क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं पावर टू चल रही है तो उसकी भी पावर टू होगी और एक सेक स्क्वायर रहा है एक और स्की स्क्वायर आ जाएगा तो सेग स्क्वायर सेक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेक की पावर फोर हो गया एंगल इसमें भी टी बाई टू है इसमें भी टी बाई टू है तो टी बाई टू ही रहेगा तो ये हमने निकाल लिया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया अब डायरेक्ट हमने ये कार्टिशियन फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ वेक्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दिया इसकी वैल्यू डाल दी इसकी भी वैल्यू डाल दी यहाँ पर सर समीका के अकॉर्डिंग वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाय टू का ये फॉर्मूला होता है सब स्क्वायर टी बाई टू ही रहेगा नीचे जो चल रहा है वैसे ही रहेगा यहाँ पर देखेंगे तो टू से टू कैंसिल हुआ केवल पावर थ्री आ गई अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर दोनों ऊपर भी, भी है लेकिन यहाँ पावर थ्री चल रही है नीचे पावर फोर चल रही है तो थ्री ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे केवल एक सेक बचेगा मतलब वन अपॉन सेक बचेगा तो वन अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सेक को लिख सकते हैं हम cos वन अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं तो ये लीजिए वन अपॉन सेक को डायरेक्ट कॉस लिख दिया कॉस टी बाई टू और इस फोर को ऊपर भेज दिया तो ये फोर आ गया और बराबर में रो हमारा चल ही रहा है और ये देख लीजिए प्रूवमेंट में हमें यही मांग रहा था रो बराबर फोर ए कॉस आ गया है तो समझ में आपको आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं जब भी आपसे आप कहा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो सबसे पहले आप पहचान लिया करिए कर्व कैसा दे रखा है कर्व के अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाएंगे फार्मूले में जिस जिस चीज की नीड होगी उसे आप निकाल लेंगे और सारी चीजें आप निकाल सकते हैं अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा तब डिफरेंशिएशन करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे पुट करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा अब आपको ये पहले तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको क्या करना है यहां से पूरा क्वेश्चन है फॉर्मूले ना याद हो तो भाई ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा वरना ये इसके आगे का ये लगा हुआ है फिर यहाँ से आप यहाँ से पहुंचेंगे ठीक है ये इतना क्वेश्चन है अब दो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं आप लगाकर देखिएगा प्रैक्टिस के लिए दोनों क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं और दोनों में रो फाइंड करना है मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसके लिए देखिए कर्व हमने दे रखा है ये ठीक है और साथ में हमने आंसर भी भाई लिख दिया है आप यहाँ तक अपने आंसर को पहुंचा लीजिएगा पहले वाले कर्व के लिए आंसर आएगा रो बराबर थ्री ए टी कॉस्टी और एक ये क्वेश्चन है इसके लिए आंसर इतना आएगा ठीक है तो दोनों हमने आंसर भी आपको बता दिए कोशिश करिएगा लगाने की और ये को दोनों क्वेश्चन सेम जैसे ही लगवाए ना सेम ऐसे लगेगा क्यों क्योंकि ध्यान से देखिए एक्स और वाई चल रहे हैं मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म है यही फॉर्मूला लगेगा ठीक है इसमें भी वाई ओवर डी एक्स और डबल वाई डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा

बोलते हैं और रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होती है तो अगर किसी भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर निगेटिव रो का मान मतलब ऐसे करके आ रहा हो रो बराबर माइनस कोई वैल्यू आ रही निगेटिव में तो वहाँ से आप निगेटिव वैल्यू को नेगलेट कर देते हैं मतलब जो रो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या है रेडियस है रेडियस कभी भी माइनस नहीं होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है तो अगर ये वाला आंसर शायद आपका माइनस में आए तो वहाँ से निगलेक्टिंग कर देंगे हम निगेटिव साइन को डायरेक्ट माइनस हटा के आंसर लिख देंगे ठीक है तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाए होंगे इन दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और यहां तक आंसर्स को पहुंचाने की कोशिश करिएगा तो कल हम मिलेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वरना कल मिलेंगे शाम पांच बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत